दोस्तों, अगर आप इस तरीके की विंग्स वाली इमेज बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है विंग्स इमेज क्रिएटर। ये टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा ज्वाइन एंड क्रिएट, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। मैं अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। जीमेल आईडी से लॉग इन करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद ये आपकी जो जीमेल आईडी है ये लॉग इन हो जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जो आपने प्रॉपर जिस टाइप की मतलब आपको इमेज बनानी है वो प्रॉपर्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही प्रॉपर्ट बना रखा है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट प्रॉपर्ट अपना लगा के पेस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने पहले से प्रॉपर्ट बना के रखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी यहाँ से करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और अगर आपको भी ये प्रॉपर्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रॉपर्ट पेस्ट करने के बाद आपके सामने जो क्रिएट वाला ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग देगा और आपकी ए आई इमेज जनरेट हो जाएगी। तो सब देख सकते हैं आपकी ए आई इमेज जनरेट हो गई। यहाँ से मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों इमेज रेडी हो गई और यहाँ पे नाम भी लिखा था मैंने, तो ये नाम भी पीछे बैकग्राउंड पे आ गया। और अगर आपको भी अपना नाम देखना है तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे तो बैकग्राउंड भी आ जाएगा, देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर की।